सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के देखिए कल से फिजिकल शुरू होने जा रहे हैं और सभी स्टूडेंट जो 10 जुलाई वाले कल सेंटरों पे पहुंच रहे हैं उनको गायत्री परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप सब लोग सफल हो। और देखिए आगे आने वाले दिनों में बहुत से बच्चों का फिजिकल का डाउट है कि डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या लेके जाना है, इसके अलावा ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, मेडिकल में क्या होगा। सभी ट्रेड्स का एक ही सॉल्यूशन है कि आप लोगों को देखिए हमारे इस YouTube चैनल पर कल से कवरेज मिलेगा। बहुत से बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, बहुत से ग्रुपों में बच्चे जुड़े हैं, तो उनसे जैसे ही अपडेट हमारे पास आएगा, कोई भी अपडेट आएगा, तो तुरंत आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। हम लोग भी सेंटर पे हैं अजमेर, GC 1 और GC 2 को कवर करेंगे। हमारे बहुत से बच्चे अभी सेंटरों पे पहुंच चुके हैं, हमें मिले भी हैं बच्चे, तो कल सुबह आपको पहले सेंटर पे जाके बाहर का विजिट का वीडियो दे देंगे, फिर दिन भर आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे जैसे जैसे प्रोसेसिंग चलेगा। शाम को जैसे बच्चे बाहर आएंगे उनका इंटरव्यू करेंगे। आप लोगों से मैं अपील इतना ही करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करके हमारा सपोर्ट करें। और देखिए जो भी बच्चे इस वीडियो को सेंटर वाले देख रहे हैं, जैसे अजमेर GC 1 और GC 2 है, उनमें कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसका कल हो, तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हमें आप खुद आकर इंटरव्यू दें, क्योंकि जब हम आपका इंटरव्यू लेने जाते हैं तो देखिए वहाँ पर मतलब इंटरव्यू लेना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है, बोलना नहीं चाहता। अरे आप लोग बोलिए, किसी भी आपकी छोटी सी जानकारी से यदि किसी का भला होता है तो उसमें आपका क्या जाता है। तो आप भी, हम लोग देखिए ऐसे सेंटरों पे जाते हैं, हर बार कोई भी भर्ती आती है उसका आपको आकर अपडेट देते हैं, आवेदन करेंगे। कोई आपकी जानकारी से यदि किसी बच्चे का भला हो जाए तो उसमें आपका क्या जाता है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कल सुबह से जो हम आपको अपडेट देते हैं वो बिल्कुल मतलब 100% 100% सही जानकारी देंगे। गायत्री यूट्यूब चैनल आज पूरे देश भर में फेमस है, इसका रीज़न आप लोग हैं। हमारा अमित सर का एक ही कार्य है, हम आपको जानकारी एकदम बेस्ट देंगे। बाकी इस चैनल को बढ़ाने में, इस परिवार को बढ़ाने में आपका जो योगदान है वो अमूल्य है। ऐसे ही आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहे। जय हिंद।